हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और मौसम जो है ना, वीकेंड पे बहुत अच्छा था, जैसे फ्राइडे सैटरडे में बहुत अच्छा था, लेकिन ना आज बहुत ही सर्दी है और मतलब ठंड लग रही है ना। और आप लोग सुनाएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, और हर जी पाकिस्तान की तो क्या बात है। आपको पता है मेरा उस इलाके से ताल्लुक़ है जहाँ पे मूँगफली होती है। तो जब भी सर्दियाँ होती थी ना, तो हम लोग रजाई के अंदर बैठ के ना बड़े आराम से ना मूँगफली खाया करते थे। सो सर्दियों में सबसे अच्छा जो लगता है ना, वो नट्स खाना लगता है मुझे। तो आप बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। आज बस कुछ जल्दी ही मिल गई थी और इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, और मैं भी सुकून के साथ था। ये नई वाली बस है और इसमें सिर्फ एक सीट है इस कॉर्नर में, और यहाँ पे बैठ के ना बहुत अच्छा लगता है। तो मेन मेरी सुबह मसरूफियत होती है बच्चों को उठाना और फिर इनको रेडी करके स्कूल भेजना। लेकिन मिनसा, जब मैं अब हमज़ा को छोड़ के आई हूँ ना, तो मिनसा को उठा रही थी और ज़ारा को, और फिर मैं इन दोनों को, स्पेशली ज़ारा का बैग भी मुझे कैरी करना होता है क्योंकि अभी तक उसकी लेग की थेरेपी चल रही है। और आप सब दुआ कीजिएगा कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन स्टिल मैं नहीं चाहती कि वो बहुत ज़्यादा ना वेट अपनी लेग के ऊपर डाले। तो मिनसा को उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ना वो मान जाती है। मतलब एक बच्चा होता है ना, उसको थोड़ी सी मोहब्बत से, थोड़े से प्यार से उसको उठाओ तो फिर वो रिलैक्स हो जाती है। और आजकल क्योंकि वो मेडिकेशन पर भी है एलर्जी की, तो उसको ना वो मेडिकेशन की वजह से आई थिंक वो ज़्यादा सोना चाहती है और उठना नहीं चाहती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका मेडिसिन का जो स्टेरॉइड का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं उसको स्कूल में कोर्स मतलब उसको मेडिसिन दे के नहीं भेज रही थी। और हम लोग अभी जा रहे हैं थेरेपी के लिए। थेरेपी के बाद फिर मैं आके दोबारा से खाना बनाऊंगी। ये तो ऐसे ही था जैसे नाश्ता होता है ना, ब्रंच होता है, तो अब फिर मैं आके लंच रेडी करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ, ज़ारा की थेरेपी है, और थेरेपी के बाद फिर आप लोगों के साथ आगे की रूटीन शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना थोड़ी सी चिकन ब्रेस्ट पड़ी थी और मैंने मैक्रोनी बॉयल कर लिए थे। सुबह मैंने बनाए थे जी मैक्रोनी, और क्योंकि आजकल मिनसा को ना एलर्जी हुई हुई है, सो मैंने कोई इसके अंदर ना, एक तो प्राउन्स नहीं डालने, ठीक है, प्राउन्स तो बिल्कुल अब घर में नहीं बनेंगे, और दूसरा वेजिटेबल्स पे भी मैं थोड़ा सा ध्यान कर रही थी। जैसे मैंने कैप्सिकम काटी थी और टमेटोज और चिकन ब्रेस्ट ली थी। अच्छा, अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट है, उसको फ्राई करके फिर उसके अंदर आपने ना चिकन डाल देना है, ठीक है। चिकन को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर देना है, और जस्ट रेगुलर मैंने उसके अंदर मसाले क्या डाले थे, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, थोड़ी सी मिर्च डाली थी, और इसके साथ साथ करी पाउडर डाला था, नमक डाला था, ब्लैक पेपर ऐड की थी। हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि हमारी जो चिकन ब्रेस्ट है ना वो गल जाए। और छोटे छोटे टुकड़े ही थे, आपको पता है चिकन ब्रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 5 से 8 मिनट लेती है और वो गल जाती है। और मुझे मैक्रोनीज बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप देसी स्टाइल से बनाए ना, लेकिन मैक एंड चीज़ भी बच्चों को पसंद है और वो भी मैं कभी कभी बनाती हूँ, इस तरह नहीं होता कि डेली, लेकिन ये मेरे फेवरेट हैं। और आज से नहीं, शुरू से ही, तो हमने इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छा, आपका ये जो मसाला जितने मज़े का होगा ना, उतने अच्छे आपके मैक्रोनी बनेंगे, क्योंकि ये अंदर मैक्रोनी के अंदर तक चला जाएगा। ये देखें जी, अब मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं हमने, और हमने इस तरह से ट्विस्ट कर देना है, इसको मिक्स कर देना है, और बहुत अच्छे हमने यहाँ पे हमारा जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा हाई कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, या फिर आप कह लें कि इसको अच्छे तरीके से पकाना है। और थोड़े क्रिस्पी जो मैक्रोनी होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, अगर आपको ना अच्छे लगें तो फिर आप उतार लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इनको पकाना बहुत ज़रूरी है। और मैं इनको हिला रही थी, और आप देखें कि वो जो मसाला था आपको शायद थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो है ना मैक्रोनी के अंदर तक चला गया है। और सुबह सुबह होता है ना, बच्चे भी हमेशा एक चीज़ नहीं खा रहे होते ना, उनका कुछ ना कुछ होता है कि अच्छा मामा आज ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मैंने सोचा कि चलो लंच में भी साथ थोड़ा सा दे दूँगी और थोड़ा सा हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारे मैक्रोनी कितने अच्छे से मिक्स हो चुके थे, और बहुत ही, बस आप यहाँ पर आप सॉल्ट इसका टेस्ट कर लीजिएगा, और ब्लैक पेपर भी अगर आपको लगता है कि पेपर कम है या सॉल्ट कम है, तो इस पॉइंट पर आप ऐड करके इसको दम दे दीजिएगा। और दम देने के बाद ये देखें जी, ये पूरे तरीके से रेडी हो चुका था और सबको बहुत पसंद है, अजलान को, मिनसा को, एवरीबॉडी, दे रियली लाइक द मैक्रोनी। और बच्चों को जो है ना ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो कि बच्चों को अच्छी लगती हो। और हमने फिर जाना था जी थेरेपी पे,
ये देखें जी, हम लोग थेरेपी के लिए वेट कर रहे थे। आज मैं ना थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यकीन करें आप, इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बहुत ही आपकी ना मतलब इज्जत भी करते हैं और केयर भी। तो हम लोग अभी आ गए हैं थेरेपी के लिए, देखें सारा। और ये लोग ना कुछ मशीन्स लगाते हैं, उससे ना उसके नी में सेंसेशन होती है और उसका ब्लड फ्लो आई थिंक ठीक करने के लिए जो भी होता है। लेकिन बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे ये लोग थेरेपी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा स्टाफ है। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर हैं शी इज़ बेसिकली फ्रॉम इंडिया एंड द रिसेप्शनिस्ट शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ये ना उन्होंने उसको मशीन्स लगाई हुई थी और वो सेंसेशन देते हैं नी को, तो ताकि वो अच्छे तरीके से सही हो जाए। हमारा देसियों का इलाका है और यहाँ पे देखें आप, यहाँ सिचुएशन देखें आप, यहाँ जब बंदा। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। घर में आके फ़ौरन से मैंने चिकन कीमा मैंने रास्ते से ही पकड़ा था और चिकन कीमे के मैंने बनाए थे कोफ्ते, साथ में अंडे ऐड किए थे और राइस बॉयल किए थे। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, शब बख़ैर।